गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 7 और ये रहा, आज है डे 7 और नूरे के बेबीज हैं 7, मतलब दो नूरा का बाबू नहीं रहा, एक मेल और एक फीमेल। इसलिए मैं एक दो दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी। एक्चुअली मूड बहुत ऑफ था, इतना केयर करने के बावजूद भी दो बेबीज नहीं रहे। जी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताऊँ। पंखा भी लगा रखा है बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत जो राहत मिलती है वो होती है बट नोरा को बहुत गर्मी लगती है इससे। नोरा देखो देखो, बाबू को देख लो। देखिए एक ये छोटू सा अपने दूध के लिए एकदम घुसा जा रहा है, ढूंढ रहा है। यहाँ पे ना कि इसे बच्चों को मुंह लगवाना पड़ता है कि नोरा कभी कभी मतलब थोड़ा उतना केयर नहीं कर पाती है, तो हमें देखना पड़ता है। तो हम हर आधे घंटे एक घंटे में आके देखते रहते हैं कि बेबीज क्यों रो रहे हैं, क्यों आवाज़ कर रहे हैं, दूध नोरा उसे पिला रही है कि नहीं पिला रही है। तो ये सब हमें थोड़ा देखना पड़ता है। वेरी गुड नोरा, यहाँ सारे बच्चे लगे पड़े हैं, एक ढूंढ रहा है कि है कहाँ, वो भी ढूंढ ही लेगा पीने के लिए। और ये नूरा के लिए मछली रखा रहा है खाने के लिए। ये सेकंड टाइम इसको भी खाना मिल रहा है, एक बार वो मॉर्निंग में खा चुकी है और फिर से रात में मिलेगा मछली और चावल। ये और भी इसके लिए मछली बन के रखा हुआ है अभी। और ये नूरा हमारी आराम कर रही है, अच्छे दूध पी रहे हैं। और ये आ गया नूरा का खाना। Eat. सिर्फ पीस तो नहीं मिलेगा नोरा, नोरा खा रही है। यहाँ इसके एक बच्चा है, तो आज नोरा हमारी बहुत खुश है। अभी दोपहर हो रहे हैं, देखिए एक लगा पड़ा है पीने में, बाकी सभी पी के सो चुके हैं। एक्चुअली आज नूरा को मिला है खाने को मछली, इसलिए आज वो पूरा भरपेट खाई है, इसलिए बच्चे को भी दूध आराम से पिला रही है, नहीं तो फिर इसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसे हम इसे देते हैं चिकन, दो टाइम चिकन देते हैं, लेकिन बट मैडम थोड़ी ज़्यादा ही क्या कहते हैं टैंट्रम्स दिखाती हैं खाने में, चिकन में भी। अभी बहुत गर्मी है तो हम सोचते हैं हम लोग कि मट्ठा भी दें इसे, जो इसको ठंडक पहुंचाएगा, बट ये पीती नहीं है मट्ठा। आज एक्चुअली हमारे घर का पॉन्ड है तो हमने वहीं से आज मछली मरवाया है और इसे दिया है। तो आज ये अच्छे से खाइए, बच्चे को दूध भी अच्छे से पिला रही है और आराम कर रही है। पंखा चल रहा है इसका यहाँ पर और ये नोरा हमारी आराम कर रही है। आराम कर रही है अपने 7 बेबीज के साथ। इसका हम सारे बेबीज का आपको क्लोजअप भी दिखाएंगे हाथ में पकड़ के, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तब हम अच्छे से बेबीज का फेस दिखाएंगे आपको। और एक ये है, इसे बहुत भूख लगती है तो अभी मैंने इसे डलवा दिया है, अभी मुंह लगवा दिया है तो ये आराम से पी रही है। और बाकी सब पी के हो चुके हैं टुल, तो ये कर रहे हैं आराम, ये आराम कर रहे हैं। और यहाँ नूरा हमारी पानी के पास बैठी है और पंखे के पास बैठी है, मैं नूरा को भी थोड़ा गर्मी से आराम मिलेगा। देखिए ये तो मुँह लगा के सो रही है, ये पी रही है, पता ही नहीं चल रहा। पापा मुँह लगा के सो गई है कि पी रही है, हो सकता है।
संविधान देखा। 37 रात का टाइम है अभी। नूरा को सारे बेबीज को दे रहे हैं कि वो चाटे और फिर उसको मुंह लगवाएंगे। तो कुत्ते का चाटना बच्चे को इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी वो अपने बेबी को चाटेगा उसे पॉटी और सुसु होगा। जब तक वो नहीं चाटेगी उसे पॉटी और सुसु नहीं होने वाला है। और चाटने के हिसाब से वो ग्रूम भी करती है अपने बेबी को। और एक देखिए इस छोटे से नन्हे शैतान को, इतना एडोरेबली ये सो रहा है, क्यूटी पाई है। तो चाटने के बाद ये सुसु करते हैं। यहाँ देखिए सभी छोटे शैतान को सब दूध पीने में लगा हुआ है। तो सारे बच्चे दूध पीने में लगे हुए हैं और नूरा हमारी उसे आराम से पिला रही है। निकाल ली। फिर से पकड़ लिया।